हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 19.31 पे हैं। कह रहे हैं इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। इंटीग्रल हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x+1 बाई में है एक्स का पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, डिवाइड करते हैं डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x बाई में एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर, बाई में आपका एक्स का पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गए इंटीग्रल, यहाँ पे 1 आ जाएगा और प्लस में इसके साथ इसको लिख लेते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 बाई एक्स बच जाएगा और नीचे यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी ये कट गया बनाया है, थोड़ा सा अब इसको सेट करते हैं। देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और नीचे इसके इसके साथ रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इस वाले हिस्से को अलग कर देते हैं माइनस 3 बाई एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर प्लस में है तो नीचे हम लोग यहाँ कर देते हैं एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1। हमने क्या किया यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेते हैं पहले से, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक एक से एक एक्स कर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई में आपका एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस में 2 और प्लस में 1, तो 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए एक्स ऊपर चला जाएगा, 3x बाई में यहाँ पे हो गया है एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करें, ये तो आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ये इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई में से एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस में √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको टी पुट करके बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब इसके बाद देखिए इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू में t, डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू में dt आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर कर लेंगे, चलिए अभी पहले लिख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई में एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस का √3x² dx, अगले स्टेप में रखा जाएगा माइनस, इसको अगले स्टेप में रखा जाएगा 2lx बाई में, नीचे देखिए क्या करते हैं, इसे 2x² का स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए के जगह 2x² तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा, इंटू में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करते हैं और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस का 4 dx। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 1 बाई में t² प्लस का √3 का स्क्वायर dt और माइनस यहाँ पे देखिए 2lx बाई में नीचे आपका क्या हो जाएगा 2x² प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ प्लस √3 आ जाएगा ना जी, √3 का स्क्वायर 3 आएगा तो √3 का स्क्वायर नहीं लिख देंगे, चलिए यहाँ पर भी पुट करना होगा। तो यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4x आएगा, तो इसमें से 3 बाहर निकाल लेना होगा, इसका तो पता ही है, अगले स्टेप में किया जाएगा 1 बाई t² √3² dt। यहाँ पे देखिए इसमें पुट करेंगे अगर 2x² प्लस 1 इक्वल टू में z, यहाँ से हो जाएगा 4x
डी एक्स इक्वल टू में डी जेड, तो माइनस इसमें थ्री बाहर कर लेते हैं और ऊपर आ जाएगा वन, यहाँ डी जेड लिख देंगे, और नीचे हो जाएगा आपका जेड का स्क्वायर और प्लस में रूट थ्री का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये आपका हो जाएगा 1/√3 टेन इनवर्स टी बाई में √3 माइनस थ्री, यहाँ पे 1/√3 टेन इनवर्स जेड बाई में √3 और प्लस का। चलिए अब इसके बाद टी और जेड का वैल्यू रख देते हैं, 1/√3 टेन इनवर्स, इसका क्या वैल्यू था, एक्स एक्स माइनस 1/x टी का वैल्यू और बाई में √3, ये कट जाएगा इसे √3 टाइम्स में, तो आ जाएगा -√3 टेन इनवर्स जेड का वैल्यू 2x² प्लस 1 और बाई में √3 प्लस सी। यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे, 1/√3 टेन इनवर्स एलसीएम ले लेंगे एक्स x² माइनस 1 बाई में √3 और -√3 टेन इनवर्स 2x² प्लस 1 बाई में √3 प्लस सी। अब फाइनली आप इसे लिख सकते हैं 1/√3 टेन इनवर्स x² माइनस 1 बाई में √3x और -√3 टेन इनवर्स, माइनस था कि प्लस था एक बार देख लेते हैं, सब जगह माइनस है ना चल रहा है जी, अब माइनस है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सब जगह माइनस ही था, माइनस ही था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टेन इनवर्स 2x² प्लस 1 बाई में √3 और प्लस में सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे इंटीग्रल देखिए, x² प्लस 1 बाई में x⁴ माइनस x² प्लस 1 dx, ठीक है हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड करेंगे x² से, ठीक है, x² बाई x² प्लस 1/x² और नीचे हो जाएगा x⁴ बाई x² माइनस x² बाई x² प्लस 1/x² dx, ये कट जाएगा 1, यहाँ भी कट जाएगा 1। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर 1 + 1/x² और बाई में यहाँ पर ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² को पहले लिखते हैं और फिर -1 को लिखते हैं, ऊपर प्लस में है ना तो नीचे माइनस वाले पे सेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले में क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही अप्लाई करने वाले हैं नीचे, 1 + 1/x² बाई में नीचे एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर और प्लस में 2 × x × 1/x और -1 dx। चलिए अब इसके बाद देखिए, इंटीग्रल ऑफ 1 + 1/x² बाई में नीचे आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर, ये देखो 2 में से 1 गया 1 यानी कि 1 का ही स्क्वायर लिख देते हैं, अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं किसको जी, एक्स माइनस 1/x को टी, और इसे डिफ्रेंशिएट करो तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 1 + 1/x² हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू में डी टी, तो देखो ये डी टी हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर यहाँ 1 बच जाएगा, नीचे आपका t² + 1² तो क्या हो जाएगा इसका, टेन इनवर्स टी बाई 1 या टेन इनवर्स टी भी लिख सकते हैं और प्लस सी, टेन इनवर्स टी का वैल्यू x - 1/x + c, एलसीएम ले लेते हैं टेन इनवर्स एक्स एलसीएम हो जाएगा x² - 1 और प्लस सी आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, इंटीग्रल है x² - x बाई में x⁴ + 1 dx, चलिए डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x² से, डिवाइड बाई x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x² बाई में x² माइनस 1/x² बाई में x⁴ बाई x² और प्लस 1/x² dx। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट के 1 1 - 1/x² और नीचे हो जाएगा x² + 1/x²
ऊपर माइनस में है तो नीचे प्लस वाला लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए। वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, बाई में इसे कर देते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर और माइनस में टू इंटू में एक्स इंटू में वन बाई एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा। इंटीग्रल ऑफ वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और नीचे है एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर और माइनस में रूट टू का स्क्वायर कर सकते हैं। पुट कर देंगे यहाँ एक्स प्लस वन बाई एक्स को भी, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर हमें दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होगा वह डी टी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वन यहाँ डी टी, और नीचे हो जाएगा ये आपका टी स्क्वायर माइनस रूट टी का टू रूट टू का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? वन बाई टू ए यानी वन बाई टू रूट टू लॉग ऑफ टी माइनस रूट टू और बाई में टी प्लस रूट टू और प्लस टी का वैल्यू आपस यहाँ रख देते हैं। वन बाई टू रूट टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस रूट टू, बाई में यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस रूट टू और प्लस में सी आपका आंसर। देख वन बाई टू रूट टू लॉग ऑफ, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस वन और माइनस में रूट टू एक्स। नीचे देख लीजिए एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस वन प्लस का रूट टू एक्स प्लस, यहाँ ये कट जाएगा। तो वन बाई टू रूट टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू एक्स प्लस वन बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का रूट टू एक्स प्लस का वन, ये प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एट नंबर। हमें इंटीग्रल निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई में आपका है एक्स का पावर फोर प्लस का सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अच्छा हम लोग किसे डिवाइड करेंगे जी? एक्स स्क्वायर से ना, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बाई में एक्स का पावर फोर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का सेवन एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर और प्लस वन बाई में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद देखिए यहाँ कट जाएगा ये वन, यहाँ भी कट जाएगा। इंटीग्रल ऑफ ऊपर वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे देखिए ये एक्स का स्क्वायर प्लस में इसको लिख लेते हैं वन बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस में सेवन डी एक्स। अब देखिए ऊपर वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है तो नीचे माइनस में सेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी लगाएंगे। ऊपर आपका वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है ना जी, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस में टू इंटू में एक्स इंटू में वन बाई एक्स और प्लस का सेवन डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और नीचे आपका एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर और टू और सेवन नाइन हो जाएगा यानी कि थ्री का स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें पुट कर देते हैं हम लोग एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी और इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में डी टी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? वन बाई यहाँ पे टी का स्क्वायर प्लस में थ्री का स्क्वायर डी टी, चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए यानी टी बाई थ्री और प्लस का सी। अब टी का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स, वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई एक्स बाई थ्री और प्लस का सी। अब एलसीएम लेंगे ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा वन बाई थ्री टेन इनवर्स, नीचे बाई में थ्री है ऊपर एलसीएम लेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का वन प्लस, यानी कि फाइनली आ जाएगा वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई में थ्री एक्स प्लस का सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन नंबर। नाइन नंबर में क्या है? इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स माइनस वन का स्क्वायर और नीचे एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन और नीचे है एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब डिवाइड करते हैं, लिखते हैं डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
दोनों में डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई में एक्स स्क्वायर। और नीचे देखिए आपका एक्स का पावर फोर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर और प्लस में वन बाई में एक्स स्क्वायर। ये कट जाएगा यहाँ वन, यहाँ भी कट जाएगा वन डी एक्स। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ ये वन और प्लस में इसको ले लेते हैं वन बाई एक्स का स्क्वायर, यहाँ ये कटेगा तो माइनस टू बाई में एक्स हो जाएगा। और नीचे आपका एक्स का स्क्वायर प्लस इसको लिख लेते हैं वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में वन डी एक्स। इसको और इसमें अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और नीचे है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ टू बाई में एक्स, टू बाई में एक्स और बाई में नीचे है एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे सेट करेंगे, देखिए किसका फॉर्म लगेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू बी। माइनस वाले से लगाएंगे क्योंकि इसमें बीच में प्लस है, वन प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में टू इंटू में एक्स इंटू में वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। माइनस यहाँ पर एलसीएम ले का नीचे एक्स का स्क्वायर, एक्स का पावर फोर प्लस का वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या एक एक से एक एक्स कट जाएगा, एक्स ऊपर एक चला जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, वन प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर और नीचे एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर, ये टू और वन थ्री, यानी किया जाएगा यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, और माइनस का इंटीग्रल ऑफ टू एक्स बाई में एक्स का पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ के लिए तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना जी, ये तो सेट हो गया है। इसमें देखिए पुट कर देंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन प्लस का वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे रख ही देते हैं इसको, उसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, वन बाई टी का स्क्वायर प्लस में रूट अंडर थ्री का स्क्वायर डी टी माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, एक काम करते हैं हम लोग, नीचे ना फोर से और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर टू जा एट एक्स हो जाएगा, और नीचे फोर एक्स का पावर फोर प्लस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस का फोर डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो आपको पता है वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स टी बाई में रूट थ्री माइनस। यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे ना इसमें से टू को बाहर कर लेते हैं, फोर एक्स और बाई में नीचे देखिए क्या करते हैं, टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में टू इंटू में टू एक्स स्क्वायर इंटू में वन प्लस का वन का स्क्वायर एड एक बार सब्ट्रैक्ट और प्लस फोर। चलिए अब इसके बाद देखिए, वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स, इसका वैल्यू रख दे क्या, एक्स माइनस वन बाई एक्स और बाई में रूट थ्री माइनस टू फोर एक्स बाई में, नीचे फॉर्मूला हो जाएगा ये टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये माइनस वन और यहाँ पे प्लस फोर, तो थ्री आ जाएगा, थ्री यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लो एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई में रूट थ्री माइनस टू, यहाँ पर देखिए पुट करते हैं हम लोग टू एक्स स्क्वायर प्लस वन को यहाँ पर जेड और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फोर एक्स डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा डी जेड। तो ऊपर वन यहाँ डी जेड देते हैं, ये आपका जेड का स्क्वायर और प्लस में रूट थ्री का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई में रूट अंडर थ्री एक्स माइनस टू इंटू में क्या होगा, वन बाई रूट थ्री, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स जेड बाई रूट थ्री और प्लस में सी, जेड का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई में रूट थ्री एक्स माइनस टू बाई रूट थ्री टेन इनवर्स जेड की जगह पे टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और बाई में रूट थ्री और प्लस का सी, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए,
कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखें। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे इस रिलेटेड वीडियो के लिए, सीधे डिस्क्रिप्शन में इस रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।